हमने अपने पिछले वीडियो में बेटा, अपनी पिछली क्लास के अंदर आप लोगों के साथ इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की थी, और मैंने कहा था कि प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बट उनकी कंडक्टिविटी कम होती है एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी हम लोगों ने क्या किया बेटा, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी थी, और इस एम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हमने डोपिंग कहा था। और हमने कहा था डोपेंट जो होना चाहिए उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए किसके बेटा, दैट इज कॉल्ड जो हमारा सेमीकंडक्टर एटम था। इसलिए हमने कहा 14th ग्रुप प्योर होता है तो इम्प्योरिटीज या तो हम 13th ग्रुप की मिला सकते हैं या 15th ग्रुप की मिला सकते हैं। जब हमने 15th ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिलाई तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में आ गए, होल्स माइनॉरिटी कैरियर बन गए, और ओवरऑल कंडक्टिविटी में रोल इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, इसलिए उसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा था। अगर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी 13 ग्रुप की जब इम्प्योरिटीज मिलाई बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी, मीन्स ईच इम्प्योरिटी एटम वाज क्रिएटिंग वन होल, तो होल्स मेजोरिटी में आ गए थे। हमने कहा था कि भाई ओवरऑल कंडक्टिविटी विल बी कंट्रोल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज होल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बट मैंने कहा था इलेक्ट्रिकली पी टाइप भी और एन टाइप भी दोनों न्यूट्रल होते हैं। डोंट से एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है, पी टाइप पर पॉजिटिव चार्ज होता, नहीं। अंदर में समझाया था किस तरीके का सिस्टम है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बेटा। तो आज जो हमने पढ़ना है बेटे, अब हम पी और एन समझ चुके हैं कि पी क्या होता है और एन क्या होता है। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। दिस इज पी एन जंक्शन डायोड। अब क्या है कि भाई मान लीजिए एक पी और एन को मान लीजिए ये है बेटा, ये पी है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। हम पी और एन टाइप को भाई ये कौन ड्राइंग बना रहा है, कंटेक्ट में लेकर आते हैं ना बेटा, तो ये क्या बनता है, ये जो डिवाइस बन गया इसके दो एंड है, डायोड। डायोड का मतलब जिसके दो एंड है, एक पी टाइप हो गया बेटा और एक एन टाइप हो गया, डायोड। ट्रायोड हो तो तीन एंड हो जाते हैं, ठीक है। कोई कहेगा सर ये भी तो है, एक यहाँ लगा दो, नहीं मतलब ये हो यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पी माना जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा, एन। तो ये डायोड है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर मैं पूछूं ना जंक्शन, जंक्शन वो लाइन या वो पॉइंट होता है बेटा जहां टू या मोर देन टू डिफरेंट लाइंस मीट विद ईच अदर। तो ये जो लाइन है, सिर्फ जो बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है ना बेटा, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है ये किसका काम करेगी आपके लिए, जंक्शन का काम करेगी। पूरा जंक्शन नहीं है, ये बात फर्क बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पूरा पीएन जंक्शन कहां पर है। पूरा डिवाइस तो ये डायोड है बेटा, और ये जो लाइन है बीच में ये क्या कहलाती है, जंक्शन कहलाती है आपकी। पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में होते हैं। चलिए मैं होल्स को बेटा खाली उस सर्कल से दिखा रहा हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं, खाली सर्कल जो है वो मैं होल्स से दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर होल्स जो है वो मेजोरिटी में है। अच्छा ये साइज छोटा बड़ा नहीं है तो चलो फ्री हैंड बना रहे हम, तो ये होल्स है यहां पर मेजोरिटी में। यहाँ पर होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में, कुछ इधर भी होते हैं ना बेटा, ऐसा थोड़ी कि एन में होल होते ही नहीं है, ये होल हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं डॉट से जो है ना बेटा, डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये डॉट जो है बेटा, डॉट 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 है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनॉरिटी में है, और यहाँ पर जो है बेटा आपके होल्स जो है वो माइनॉरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में ये ज्यादा हो जाएंगे। ये हो गया बेटा,
अब एक टर्म यूज करूंगा, देखो मेरा ब्रेक के असर में दो टर्म यूज करता है, एक होता है डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में सिमिलरली सुनते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल्स का बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, अब होगा क्या समझो बेटा, यहां पर जो ये n है ये मेजोरिटी में और इधर n माइनॉरिटी में, तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। इधर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा और ऐसे होल्स का डिफ्यूजन किधर होगा बताओ, n से p या p से n, होल्स का होल कहां पर मेजोरिटी में बेटा, पी टाइप में। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो आपके ये यहां से जो मैं ये रहा, ये होल्स इधर जाएंगे, ये होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पहुंचे, एक होल के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन, अब पहले ये न्यूट्रल था, आप समझो बेटा ये भी न्यूट्रल था, लेकिन अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब यहां डेफिशिएंसी होगी, तो अब एंड में क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा तो यहां पर एक आयन बन जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने क्या बनते जाएंगे बेटा, पॉजिटिव आयन। अब सॉरी फर्क से लिखो, देखो बेटा होल थे और एक आयन थे, आप पिछले वीडियो उठाएं एन टाइप में देखें, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये होल नहीं होंगे, ये क्या होंगे बेटा, आपके डोनर आयन होंगे, याद है ना, हर एक एम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या कहा था बेटा, डोनर आयन कहा था, ठीक है। और ऐसे ही ये यहां कंबाइन कर गया होल के साथ, ठीक है, तो क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पर हमें क्या मिलते हैं शुरू हो जाएंगे बेटा, नेगेटिवली चार्ज आयन मिलने शुरू हो जाएंगे, यहां पर जो है हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन मिलने शुरू हो जाएंगे, इधर यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा उतने आयन बनते चले जाएंगे कंबाइन होके। तो ये चार सिंपल चीज अपने ध्यान रखना बेटा, ये याद करो क्या कहा था आपने, एक्सेप्टर आयंस, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन डिफरेंस बेटा। एंड नाउ एज इलेक्ट्रॉन रीचेज टू पी रीजन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस, एज वन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस वन पॉजिटिवली डोनर आयन इज क्रिएटेड, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया है और यहां इलेक्ट्रॉन आकर कंबाइन करके तो यहां आयन एक्सेप्टर आयन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, एज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस देर विल बी मोर एंड मोर अकुमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स नियर द जंक्शन, ये देखो जंक्शन के दोनों तरफ बेटा क्या बनते जाएंगे आयन्स, और जो आयन्स है ना ये इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब समझते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, अपने क्रिस्टल लैटिस से बंधे हुए हैं, हल्का फुल्का वाइब्रेट तो कर सकते हैं बेटा लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ओके। तो धीरे धीरे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी अराउंड द जंक्शन, ठीक है, अराउंड द जंक्शन एक लेयर बन जाएगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन होल तो खत्म हो जाएंगे बेटा, और क्या बन जाएगा आपका, आयंस बन जाएंगे जो कि इमोबाइल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर बनती है इस लेयर को बोलते हैं बेटा हम डिप्लीशन लेयर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, द लेयर अराउंड द जंक्शन इन विच ओनली इमोबाइल आयंस आर देयर, इन विच नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल, उस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव, तो ऐसा महसूस होगा जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया यहाँ पर। हम बोलते हैं फिक्टिशियस बार, जिस फिक्टिशियस बैटरी लग गई हो यहाँ पर लाइक दिस, जिसका नेगेटिव पी से जुड़ गया और पॉजिटिव एन से जुड़ गया है। बोलो ठीक है कि नहीं है बेटा, ऐसा लगेगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ फिक्टिशियस बैटरी, वी एफ लिख रहा हूँ, फिक्टिशियस बैटरी। नाउ जैसे यहाँ नेगेटिव आ गया बेटा, ये सोच के बताओ ये डिफ्यूजन को फेवर करेगा या डिफ्यूजन को अपोज करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, यहाँ नेगेटिव इकट्ठे हो गए, तब ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, डिफ्यूजन को रोकेंगे या फेवर करेंगे बताओ। छोटा सा क्वेश्चन, जवाब दिया करो, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई। इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ रहे हैं, सामने नेगेटिव बैठा हुआ है, क्या करेगा अब इलेक्ट्रॉन्स को? रिपेल नहीं करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि डिफ्यूज, हाँ अपोज करेगा डिफ्यूजन का। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आप माइनॉरिटी की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये माइनॉरिटी में थे, सामने पॉजिटिव बैठा हुआ है, क्या ये पॉजिटिव इन माइनॉरिटी पार्टिकल्स को खींचेगा अपनी तरफ? तो यानी कि माइनॉरिटीज का, पहली बात मैंने कहा डिफ्यूजन समझाया आपको, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है बेटा, और ये किसका होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है ये तो, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अपना माइक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये किसका होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो इधर से बेटा, यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन सामने पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेंगे, यानी कि अब क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ड्रिफ्ट इस तरफ होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा इधर, ऐसे बेटा। ये यहाँ पर होल्स थे, सर्कल से दिखा रखे हैं होल्स, इन होल्स को ये सामने वाला नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर होल्स का ड्रिफ्ट हो जाएगा। नाउ सी, इसका मतलब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट देखो बेटा, एंड ड्रिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट, बिल्कुल क्यों अपोजिट, मैंने पूरा शुरू में बोलता है कि अपोजिट होते हैं तो ज्यादा दिक्कत होते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले आपको वर्किंग समझाई है, फिर पूछा है आपसे, ठीक है, दिख रहा है बेटा, होल का डिफ्यूजन इधर था तो ड्रिफ्ट इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर था तो ड्रिफ्ट इधर हो। अब यूँ समझो, देखो बिल्कुल शुरू में जब बिल्कुल हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल, आपके पास क्या था, डिफ्यूजन था कि ड्रिफ्ट था, सोच के बताना। इनिशियली हमारे पास क्या था बेटा, ड्रिफ्ट तो था ही नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाया ही नहीं था हमने कोई भी, तो सारा का सारा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पार्टिकल फ्लो कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन ज्यादा था, ये समझो ये डिफ्यूजन है और ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट नेग्लिजिबल था। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता जा रहा है बेटा, और जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होता जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होते जाएंगे, दे विल अपोज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यानी डिफ्यूजन तो कम होता जाएगा बेटा, और ड्रिफ्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन कम होगा, ड्रिफ्ट कम होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी बेटा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है बेटा, ये अपोजिट है, अपोजिट है, तो बेटा जैसे इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा, और हम कहेंगे हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनकर तैयार हो गया। दैट इज हाउ द जंक्शन डायोड इज फॉर्म। स्लो में डिफ्यूजन होता है, ड्यू टू विच मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन टेक प्लेस, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन वन पॉजिटिव डोनर आयन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन साइड एंड एक्सेप्टर आयन नेगेटिवली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन पी साइड। एज मोर एंड मोर कॉम्बिनेशन टेक प्लेस, मोर एंड मोर अकोमोलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस, ठीक है। तो दस ए लेयर इज क्रिएटेड इन विच ओनली इमोबाइल आयन्स आर देयर, नो फ्री चार्ज पार्टिकल्स रिमेन्स, ओके। तो उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बेटा, एंड
An electric field is set up as if a fictitious battery is produced, is connected, जो कि हमने नहीं लगाई है, internally set up हो गई है, okay? तो उसको और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. एंड हमने देखा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इनिशियली डिफ्यूजन वाज मैक्सिमम, ड्रिफ्ट वाज नेग्लिजिबल. एंड लेटर ऑन डिफ्यूजन गोज ऑन डिक्रीजिंग, ड्रिफ्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ए स्टेज रीचेज व्हेन दिस बिकम्स इक्वल. अपोजिट ऑलरेडी थे, नेट करंट जीरो, तो हम कहेंगे हमारा पीएन जंक्शन इज रेडी टू यूज. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. ध्यान से देखो बेटा, जंक्शन कह रहा हूँ भाई, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, पी टाइप जो है ना वो लोअर पोटेंशियल पर चला गया. क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव आयन है. एन टाइप जो है बेटा वो हायर पोटेंशियल पर चला गया, ओके, क्योंकि उसमें पी टाइप पॉजिटिव आयन्स आ गए हैं. तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया पी और एन के बीच में. और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज कर रहा है, उनको जाने से रोक रहा है बेटा. और इसलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बेटा हम पोटेंशियल बैरियर, वी बी पोटेंशियल. बैरियर का काम क्या होता है बेटा, रोकना किसी चीज को. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हो गया वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को रोक रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं. आई बात समझ में यहां तक? तो इस तरीके से ये जंक्शन डायोड हम बना सकते हैं बेटा. इसका जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. ये जो ट्रायंगल होती है पी को दिखाती है बेटा, और ये लाइन जो होती है एन को रिप्रेजेंट करती है. और कोई कहे जी हम तो इसको एरो कंसीडर करेंगे इसको, तो आप कर सकते हैं बेटा. तो यानी एरो हमेशा फिजिक्स में डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखाता है. तो ये जो है ना बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. करंट जो होगा इसका मतलब हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो करे, कन्वेंशनल करंट. जो डिप्लीशन लेयर बनी थी बेटा, इसकी थिकनेस एज वेल एज पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसेंट्रेशन. कितनी डोपिंग कर रखी आप, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बेटा टेम्परेचर का तो रोल रहेगा ही रहेगा हमेशा. पर अभी हमने इस पे बाहर से कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी है बेटा, इसको बोलते थे जो हमने, इसको बोलेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. अगर हम बाहर से बैटरी लगा दें बेटा, अगर हम बाहर से इसके ऊपर क्या जोड़ दें अब बैटरी, तो उसको बोलते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज कॉल्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. बायसिंग का मतलब क्या होता है, टू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल बैटरी जो है जोड़ना, सीधा सा मतलब समझो इसका, टू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीएन जंक्शन डायोड. अब देखो आपका पीएन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल है बेटा, एक पी टर्मिनल है एक एन टर्मिनल है. बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब दो पॉसिबिलिटी हैं, पी को पॉजिटिव से जोड़ दूं, एन को नेगेटिव से जोड़ दूं बेटा, सीधा सीधा जोड़ दूं पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, उसको हम बोलेंगे बेटा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, ठीक है. और यदि उल्टा जोड़ दूं इस तरीके से, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से उल्टा जोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगी बेटा आपकी, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस. ठीक है, तो बायसिंग यानी कि दो तरीके की होती है, वन बाय वन हम डिस्कस करें. नंबर वन,
दिस इज फॉरवर्ड बायस. ठीक है, मान लो बेटा यही है, ये आपका, अब ये तो जंक्शन है, मैंने बताया था, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है बेटा. और पी में आपने कहा था होल्स मेजोरिटी में होते हैं, होल्स को हमने सर्कल से डिनोट किया था, वही मैं सर्कल से कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, और यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी में हो गए होल्स माइनॉरिटी में. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को हमने खाली डॉट से दिखाया था, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में. अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगी, एक डिप्लीशन लेयर बनाई थी अभी बेटा, एक डिप्लीशन लेयर बन गई है. और इस डिप्लीशन लेयर में पी टाइप में कौन से आयन आए थे, अभी बताया था, पी में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव बेटा, उल्टा होता है. यस, पी के अंदर नेगेटिव आयन आएंगे और एन के अंदर डोनर आयन होते हैं, तो पॉजिटिवली बन जाएंगे. यहाँ पॉजिटिव आयंस और यहाँ नेगेटिव आयंस. देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल बैरियर बन गया है बेटा, और उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया जो मूवमेंट को रोकेगा. अब क्या किया हमने, फॉरवर्ड बायसिंग करनी है बेटा. फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब मैंने बताया, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, बस छोटी बैटरी बहुत है फॉरवर्ड बायसिंग. V अप्लाइड लिख देता हूँ, ये अप्लाइड बैटरी है. B स्टैंड फॉर बैरियर बेटा, A फॉर अप्लाइड वोल्टेज. एक ये पता है रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये की लगा दी हमने, ठीक है. अब मान लो हम क्या करते हैं, एक होता है बेटा करैक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन. करैक्टरिस्टिक का मतलब समझते हैं, करैक्टरिस्टिक का मतलब बेटा ये नहीं होता कि थिन इन साइज, लाइटर इन वेट, नहीं नहीं, करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेटा सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर में ग्राफ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. मान लीजिए ये है बेटा हमारे पास, ये करंट है आई एफ, लिख देता हूँ फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. शुरू में देखो बेटा, जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं. यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया बेटा. और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, लेकिन सामने भी तो नेगेटिव बैठा हुआ है, वो भी रिपेल करेगा. तो मान तो होगा क्या कि जब तक मेरी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से कम होगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बताओ जंक्शन क्रॉस कर पाएंगे बेटा? यदि मेरी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से कम है तो नहीं सर, नहीं कर पाएंगे बेटा. पीछे से भी रिपल्शन मिल रहा है, सामने से भी रिपल्शन मिल रहा है, पर सामने से रिपल्शन ज्यादा है अभी, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्रॉस कर पाएंगे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो क्रॉस करेंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस करेंगे. ठीक है, इसलिए इनिशियली जो करंट होगा बेटा वो ऑलमोस्ट कई बार जीरो ही दिखा देते हैं, या थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, इनिशियली ए वेरी स्मॉल करंट फ्लो. ओके, लेकिन जैसे ही मेरी अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बैरियर वोल्टेज हो जाएगी, क्या मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट क्रॉस द जंक्शन? बताओ मेरे को, क्या इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे बेटा? क्यों? पीछे से ज्यादा रिपल्शन है ना, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो गई, आपके पास ज्यादा ताकत हो गई है, सामने रोकने वाले की ताकत कम हो गई है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द जंक्शन. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द जंक्शन, करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी.
तो ये जो ग्राफ बन गया इसको क्या बोलते हैं बेटा, करैक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें ओके। तो यानी कि सीधी सीधी मैं कहूं कि फॉरवर्ड बायसिंग, सोच के बताना, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करती है कि फेवर करती है। बैरियर का काम था मेजोरिटी, अपोज बेटा, बैरियर का काम था मेजोरिटी कैरियर्स को जंक्शन के पास नहीं जाने देना, रोकना, और इसलिए यहाँ तो जंक्शन क्रॉस कर गए। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग अपोजिस अपोजिस द पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर वो लेयर थी जिसके अंदर इमोबाइल आयंस थे सिर्फ, जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर अब तो धीरे धीरे वो एरिया खत्म हो जाएगा, मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया दोबारा से बेटा, तो थिकनेस जो होगी वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी थिकनेस, कम हो जाएगी। यस, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर फ्लो कर रहे हैं बेटा, और मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट डोमिनेट्स। सोच के बताओ, थोड़ी सी वोल्टेज चेंज करूं ना मैं यहाँ पे, यहां देखो ये पॉइंट ले लूं मैं कोई भी बेटा, और ये पॉइंट ले लूं, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप देखोगे तो ये देखो वोल्टेज तो चेंजेस बाय दिस अमाउंट डेल्टा वी एफ, और दिस चेंजेस बाय दिस अमाउंट, तो कम वोल्टेज चेंज करने से ज्यादा करंट चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम या ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग में, कम कम बेटा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखो, याद करने का तरीका, V बाय I होता है, दोनों वेरिएबल हैं, ये आ गया, बोलो ठीक है कि नहीं बेटा, डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ आ गया हमारे पास। तो हमें कह रहा हूँ डेल्टा वी एफ तो कम है और डेल्टा आई एफ क्या है बेटा, ज्यादा है, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा ओके। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो फिर लगातार कॉम्बिनेशन होते जाएंगे, इधर आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर में तो डायोड खाली हो जाएगा, है ना भाई, ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए होल से कंबाइन कर गया, और इलेक्ट्रॉन आया होल से कंबाइन कर गया, तो धीरे धीरे तो खाली हो जाएंगे। नहीं बेटा, एक्चुअली जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करता है, तो एक्चुअली जब भी इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करेगा ना एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी एनर्जी, पहले वो और समझो। देखो बेटा कल मतलब पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में समझाया था, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और होल यहाँ होते हैं, बस ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। आप कह रहे हो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचकर इलेक्ट्रॉन और होल का कंबाइन कॉम्बिनेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है हमारे पास, मैं कह रहा था बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करने हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, या होल जंप कर जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। कौन सी पॉसिबिलिटी होगी बताओ, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस आएगा या होल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, और इलेक्ट्रॉन जब हाई लेवल से लो में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगी। Yes, और बेटा वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उसकी वजह से क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा नियर दिस जंक्शन, प्रोड्यूसिंग वन होल एंड वन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, होल तो इधर भाग जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और यूं घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन वापिस। आई बात समझ में? तो एक होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो गया, तो इसलिए दोनों हिस्सों की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी बेटा, सेम रह जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो करंट आपका यूं हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो यूं जा रहा है करंट, यूं जा रहा है करंट पी से एन की तरफ, आप देख सकते हो, अभी आपने कहा था
ये एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किधर है बेटा, पी से एन की तरफ, देख सकते हो। यहाँ तो मैंने वो सिंबल यूज ही नहीं किया, मैंने तो क्या यूज किया आपको पहले थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन यू गया तो ये यहाँ आया बेटा करंट, आगे करंट। ठीक है, अगर ये ग्राफ बनाना है बेटा, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, तो उस वक्त आपको क्या चाहिए, करंट मापने के लिए एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर भी चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इसको कैसे जोड़ते हैं हम। इसके लिए अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक के लिए आपको सर्किट बताऊं, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक की, तो यूँ बन जाएगी। देखो बेटा ये डायोड, ये पी और ये एन, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर हमेशा ही किस में जुड़ता है बेटा, पैरेलल में जुड़ता है। करंट मापना है सीरीज में, मैंने कहा था एमीटर से काम नहीं चलेगा, मिली एमीटर चाहिए। ठीक है ना, करंट कम होता है ये सीरीज में, ये इस तरीके से आ गया। अब बैटरी, ये पी टाइप है बेटा, तो पॉजिटिव और छोटी बैटरी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, आपने अभी कहा रेजिस्टेंस इज स्मॉल, रेजिस्टेंस स्मॉल है तो बेटा स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस से काम चल जाएगा, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये फॉरवर्ड वॉइस और इसके ऊपर एक, अच्छा ये इसका मतलब समझते हो, ऊपर एरो लगाने का मतलब वेरिएबल है ये। अगर आपने लैब में प्रैक्टिकल किया था फर्स्ट सेम में, तो आपने देखा कि नोब लगी हुई थी और उस नोब को घुमाते हैं हम, जिससे हमारे वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बदल जाती है। तो वो नोब के अंदर क्या रियोस्टेट लगा होता है बेटा, ठीक है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ होता है, रियोस्टेट जुड़ा हुआ होता है। एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव देख लो बेटा, या वोल्टमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जुड़ते हैं, बी केयरफुल। जैसे यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से नेगेटिव चल के आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव। आप ये नहीं कि सर ये तो इसका तो पॉजिटिव हो गया था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बैटरी का देखो यहाँ से क्या आ रहा था, ऐसे ही यहाँ से देख लो ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ तक पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव पी से जुड़ गया फॉरवर्ड बायसिंग, और ये पॉजिटिव यहाँ आ गया तो ये पॉजिटिव जुड़ गया बेटा। इस तरीके से सर्किट के प्लस रटने की जरूरत नहीं है, समझो इस कॉन्सेप्ट को, कि बैटरी के प्लस माइनस के हिसाब से आपने अपने प्लस माइनस जोड़ने हैं बेटा। ठीक है, तो ये सर्किट है, हम धीरे धीरे इसको चेंज करते हैं, जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज से कम होती है करंट फ्लो नहीं करता है, जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा होती है करंट रैपिडली इंक्रीज करता है, तो वी एफ जो होती है वोल्ट में होती है, ये जो करंट होता है ये मिली एम्पियर में होता है बेटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जिस वोल्टेज के बाद करंट एकदम से रैपिडली बढ़ना शुरू कर देता है बेटा, उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, और कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, नहीं, द वोल्टेज आफ्टर विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, इस ग्राफ का अगर स्लोप की बात करूं मैं, अगर हम इस ग्राफ के करेक्टरिस्टिक के स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है बेटा, तो स्लोप जो होता है आपको पता ही है, मैथ में पढ़ते हो, डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा आई एफ अपॉन डेल्टा वी एफ हो जाएगा, एंड दिस इज वन बाई रेजिस्टेंस आगे कि नहीं आगे, फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस। यानी कि इस ग्राफ के स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आर एफ, इट इज वन बाई स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो मतलब कोई आपसे कहे कि रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड की बात आपने करनी है बेटा की, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ, तो सीधी सीधी बात है बेटा, हम एक बोलते हैं डीसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस का मतलब तो होता है बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट के करंट से डिवाइड कर दो। जैसे इस ग्राफ में आपने ये लिया, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है पी पॉइंट पर, ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर लो, इस पी पॉइंट का करंट देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा,
आई एफ हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट का क्या देख लिया आपने, वोल्टेज देख लिया, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट। डीसी मीन्स कॉन्स्टेंट ना, जिसमें आप चेंज की बात नहीं करते हो, ठीक है, वो ले लो। और दूसरी जो हम डिफाइन करते हैं बेटा, वो क्या डिफाइन करते हैं, एसी रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या होता है, एसी एज द नेम इंडिकेट है, तो सब कुछ वेरिएबल ना, सॉरी डीसी सर्किट है, पर यहां पर क्या करेंगे आप, दो पॉइंट्स ले लोगे, ठीक है कि नहीं है, डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ ले लेंगे हम, दो पॉइंट लेकर कोई भी बेटा, या यूं कह लो इसका स्लोप निकाल लेंगे हम, ये वाले जो अभी बताया था, दो पॉइंट्स में जहां जिक्र करोगे वो वेरिएबल हो गया ना, चेंज हो गया थोड़ा सा, इसलिए हम उसको डीसी वर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये किसके बराबर आता है, वन ऑफ द स्लोप, पूरे स्लोप का ग्राफ की बात कर रहे हो, ये वाली बात होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो बेटा, तो वो डीसी रेजिस्टेंस कहलाएगी। दो पॉइंट्स के लिए चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन चेंज